ये जो रसीद बुक आप देख रहे हैं, ये एक मस्जिद की रसीद बुक है और मस्जिद के नाम पे जो है पैसा लिया जा रहा है। इसमें आप ये दूसरी रसीद बुक भी यहाँ पे देखेंगे, ये दूसरी रसीद ठीक बुक है। जो है ये डुप्लीकेट है, ये जाली रसीद बुक है और सेम जगह की, सेम मस्जिद की। और यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्टेक्ट नंबर जो है ये बिल्कुल सेम दिए गए हैं। यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट नंबर आप देखेंगे स्टैंप इस पे सेम दिए गए हैं, स्टैंप भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे जगह का नाम जो है वो चेंज किया गया है। क्या नाम रखा गया जगह का, इस पे क्या जगह नाम का रखा? नाम, असली जगह का नाम चक्रास है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने होशियारपुर लिखा है। ये जाली है, हाँ, ये जाली है और ये असली है। तो इस पे कितना पैसा निकाला गया अभी इसका तक जो पैसा इकट्ठा किया है उसका कोई हिसाब किताब उनके पास नहीं है, ये देखेंगे आप। कोई रजिस्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। 1139 जो है यहाँ तक पैसा जो है ये काटा गया, पर्ची जो है काटी गई है। और इससे पहले एक दो से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इतना पैसा जो है ये जाली रसीद जो है ये काटी गई है। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से मस्जिदों के नाम पे भी जो है लोगों से फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए मुकामी वहाँ के बाशिंदे हैं, इनसे बात करेंगे क्या कहना है इनका। इनके द्वारा कुछ कंप्लेंट्स वगैरह भी की गई हैं, ग्रेवेंस में भी की गई है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दीन है सर। मोहम्मद दीन। क्या यस करते हैं आप? सर, मैं गवर्नमेंट इसमें प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ अच्छा, जी। क्या मसला है ये जो आपने रसीदें लाई हैं? आप कह सर, रहे हो कि असल ये में रोड वहाँ पे सेंक्शन हुआ था 2010-11 में, सुली गली से चक्रास तक 15 किलोमीटर रोड सेंक्शन हुआ। जब 10 किलोमीटर वो बना तो इन लोगों ने वहाँ पे सड़क को रोका। तो सड़क को रोकने के बाद इन्होंने ये दो मुख्तलिफ नामों की रसीद बुक्स बनाई और वहाँ पे रोड जहाँ से निकलनी थी वहाँ बीच में मस्जिद बनाई। और ये जो होशियारपुर की रसीद बुक इन्होंने बनाई, इसका कोई भी हिसाब किताब इनके पास नहीं है। सारा पैसा जो भी इकट्ठा किया वो इलेक्शन कैंपेनिंग में इस्तेमाल किया या क्या किया उस बारे में हम नहीं जानते क्या किया, लेकिन जो ये चक्रास का पैसा इकट्ठा किया इस पे इन्होंने मस्जिद बनाई। उसके बाद हमने ग्रीवियंस सेल में कंप्लेंट की और जब तहसीलदार के पास इन्वेस्टिगेशन आई तो उन्होंने पटवारी को मौके पे भेजा। तो पटवारी जो रिपोर्ट लिखता है वो ये लिखता है कि कमेटी मेंबरान का ये कहना है कि लफज चक्रास अच्छा नहीं है, जिसकी बिना पर हमने चक्रास का नाम बदलकर होशियारपुर करने की कोशिश की थी। तो वो रिपोर्ट तहसीलदार साहब छुपा लेते हैं और आगे रिपोर्ट वो लिखते हैं। उसमें ये रिपोर्ट है, उसमें लिखते हैं कि मोहम्मद कासम वगैरह टीचर हैं, महकमा तालीम में मुलाजमत करते हैं, उन्होंने ना कोई किसी किस्म की मस्जिद शरीफ के लिए पैसा इकट्ठा किया है और ना ही उनके पास कोई रसीद बुक है। मस्जिद शरीफ चक्रास की एक कमेटी तश्कील दी गई है, रसीद बुक वगैरह मेंबरान कमेटी के पास है, ना कि किसी दूसरे शख्स के पास। और आगे ये लिखते हैं कि शिकायत कुनंदा मोहम्मद दीन मजकूर जाती रंजिश की वजह से शिकायतें करता रहता है, ये सरासर बेबुनियाद और सदाकत पर मबनी ना है। अगर ये सदाकत पर मबनी नहीं है तो ये दोनों रसीद बुक्स मुख्तलिफ नाम की ये क्या मैंने प्रिंट करवाई है? ये कब का मामला चल रहा है आपका? 2023 का ये? ये 2023 में इन्होंने इस पे चंदा इकट्ठा किया है, लेकिन इस पे 2017 में इकट्ठा किया है, 31/8/2017। ये पुरानी वाली है, ये न जाने कब से, ये दोनों है, ये भी पुरानी है ये भी पुरानी। अब न जाने कितने साल से ये दोनों रसीद बुक्स पे आपने पहली पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कंप्लेंट कब की आपने? मैंने की है फरवरी 2023 में, मैंने ये कंप्लेंट की। ये ग्रीवेंस में और आपने डाला इसमें? लास्ट में 2-3 बार इन्वेस्टिगेशन होने के बाद दिसंबर 2023 में कंप्लेंट की आपने? कंप्लेंट मैंने ये की है, रेस्पेक्टेड सर मैम, कंप्लेंट रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद चक्रास, तहसील महोर, डिस्ट्रिक्ट रियासी, बाय द टीचर्स मोहम्मद कासम सन ऑफ मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद कासम सन ऑफ गुलाम रसूल एंड मोहम्मद रफीक सन ऑफ मोहम्मद इब्राहिम, ऑल आर रेजिडेंट ऑफ चक्रास, तहसील महोर, डिस्ट्रिक्ट रियासी, आर एज अंडर ऑल द अबव सेड पर्संस आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड दे हैव कंस्टिट्यूटेड ए कमेटी विद दियर ओन चॉइस विदाउट एनी रेजुलेशन आर काउंसलिंग ऑफ द विलेजर्स ऑफ जामा मस्जिद चक्रास, कलेक्टिंग डोनेशन सिंस 17-18 ईयर्स, दे हैव कलेक्टेड ए लॉट ऑफ मनी एज ए डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद चक्रास,
दे हैव स्टार्टेड द कलेक्शन ऑफ डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद ऑन द नेम ऑफ जामा मस्जिद शरीफ होशियारपुर तहसील महूर डिस्ट्रिक्ट रियासी। वहाँ पे जामा मस्जिद पहले से है, पहले पंजगाना मस्जिद थी, अब जामा मस्जिद उन्होंने 2022 में कंप्लीट की है। सेम मस्जिद? हाँ सेम मस्जिद। वो कब से थी वहाँ पे? वहाँ पे लगभग वो 85 से थी, छोटा सा एक कच्चा कमरा था, लगभग 8x10 का होगा पंजगाना मस्जिद, तो उसी को उन्होंने बढ़ाया, जामा मस्जिद बनाया। हालांकि 1 किलोमीटर वहां से बाई तरफ जामा मस्जिद है और 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर दाई तरफ भी जामा मस्जिद है, वहां पर जामा मस्जिद की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब हमने वहां पे 85 से मस्जिद थी वहां, हाँ 85 से थी लेकिन बिल्कुल छोटी सी थी। तो इसके बाद आपको क्या रिपोर्ट मिली मदद तहसीलदार की? तहसीलदार, ये रिपोर्ट तहसीलदार की इसके बाद मिली आपको? पहले पटवारी मौके पे जाके ये रिपोर्ट लिखता है और इसमें वो लिखता है कि कमेटी मेंबरान का ये कहना है कि लफ्ज चकरास अच्छा नहीं है, जिसकी बिना पर हमने चकरास को बदलकर होशियारपुर करने की कोशिश की। कमेटी मेंबरों ने उनको बोला है? हाँ, पटवारी को बयान दिया और उसने उसी तरीके से वो लिखा। अच्छा, उसके बाद इस रिपोर्ट को तहसीलदार गायब कर लेता है और वो आगे ये रिपोर्ट लिखकर ग्रीवियंस सेल के पोर्टल पे चढ़ाता है और इसमें वो कहता है इन टीचरों के पास ना कोई रसीद बुक है, ना इन्होंने कोई मस्जिद तामीर की है। टीचर कहाँ से आगे बीच में? टीचर ही कमेटी मेंबर हैं। ये स्टैंप लगी है यहाँ पे तहसीलदार की, देखिए 28/2/2023 की तहसीलदार की स्टैंप लगी है। ये कमेटी मेंबर हैं, इनमें ये दो टीचर हैं, मोहम्मद कासम वानी मस्जिद कमेटी के मेंबर हैं, खजांची है, हाँ अच्छा कैशियर हैं। उसके बाद मदरिस मोहम्मद कासम निगरान कमेटी, ये भी टीचर हैं? हाँ ये भी टीचर हैं। अच्छा जी, तो आप क्या चाहते हो वहाँ पे मस्जिद, मतलब आप कह रहे हो छोटी थी पहले, बड़ी नहीं बननी चाहिए थी? हाँ बड़ी नहीं बननी चाहिए थी जामिया मस्जिद की, वहां तो पहले जरूरत ही नहीं थी। अब अगर उन्होंने बनाई तो दो रसीद बुक्स अलग अलग नाम से क्यों बनाई? ना मस्जिद का कोई प्रॉपर उनके पास अकाउंट नंबर, कलेक्ट जो पैसा किया वो मस्जिद पे नहीं लगा। जो चक्रास की रसीद बुक पे, असली रसीद बुक जो है, जो गांव का नाम है, इस पे जो पैसा इकट्ठा किया वो मस्जिद पे लगा, उसका वो हिसाब किताब भी ये दे रहे हैं। पूरी रजिस्टर की फोटोज मैंने लाई हैं, ये हिसाब किताब दे रहे हैं वो कि 10,28,915 रुपया खर्चा आया, जिसमें से 9,99,760 रुपया आमदनी है और 29,155 रुपया वो कर्जा बता रहे हैं। 10,28,915 रुपये में क्या क्या बना है वहाँ पे? मस्जिद बनी है कंप्लीट, क्या क्या पैंट शैंट करके खिड़की दरवाजे लगा के तैयार। हाँ कितना मतलब हॉल बना है, क्या बना है वहाँ? हाँ बहुत बड़ा हॉल है। कितना लगभग है वो? 25x30 का। अच्छा हाँ, वो मीनार वगैरह सब कुछ जी लगे हुए हैं इस पैसे? हाँ हाँ कम्प्लीट। अच्छा, तो इसका क्या हुआ? अब ये जो आप बोल रहे हो जाली एक ये रसीद बुक है, इसका क्या? इस पे जो पैसा इकट्ठा किया है इसका वो कोई भी हिसाब किताब नहीं दे पा रहे। अच्छा, हालांकि वो ये चीज भी प्रूफ नहीं कर पाए कि हमें किसने कमेटी मेंबर बनाया, ना उनके पास रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए कोई परमिशन अवकाफ की या किसी और डिपार्टमेंट की, रेवेन्यू की कोई कुछ भी नहीं। और हालांकि मस्जिद भी अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराज नहीं हुई है। माल की जगह पे, स्टेट पे? माल की जगह पे। अच्छा। तो अब रोड की डिमार्केशन में तो वो बनाई है उन्होंने, लेकिन वहां से, वहां पहले से ही एक शरे आम रास्ता था, लोग माल लाते थे चश्मे पे, वहाँ चश्मा है, गुजरता था। हाँ मस्जिद के साथ से होके गुजरता था, मस्जिद के साथ से होके गुजरता था, उस रास्ते को भी उन्होंने उसमें कवर किया। लेकिन वहाँ पे PMGSY वालों ने डिमार्केशन भी लगाई थी कि यहाँ से रोड निकलना है आगे, 15 किलोमीटर सेक्शन हुआ था जिसमें वो सारी मस्जिद आ रही थी। हाँ सारी मस्जिद आ रही थी उसमें? सारी नहीं आ रही थी, जो पहले पंजगाना मस्जिद थी वो नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन अब जब उन्होंने बढ़ाई तो वो रोड के ही रकबे में उन्होंने उसको आगे निकाला, बढ़ाया। अच्छा, तो ये रोड बनने से पहले उन्होंने मस्जिद बना ली या रोड बनने के बाद मस्जिद बनी? रोड जहाँ तक, उस मस्जिद के करीब जहाँ तक बना है वो उससे पहले बना है, लेकिन उसको रोका वहाँ पे रोड को उन्होंने कि यहाँ से आगे रोड की कोई जरूरत नहीं। ठेकेदार को मुर्गे वगैरह खिलाए, क्या क्या किया, उसके बाद दोबारा टेंडर लगा, उसका सदर दिन है एक
ठेकेदार, उसने ठेका लिया उसका दूसरी बार, तो वहाँ पे काफ़ी सारा हल्ला उन्होंने किया। कोई 10-15 दिन उसने बड़ी कोशिश की कि मैं काम शुरू करूं, लेकिन उसको काम शुरू नहीं करने दिया। तो जब वो काम छोड़ के चला गया तो कुछ ही दिनों में उन्होंने मस्जिद का प्लांट डाल दिया। अच्छा, हाँ, तो इसमें क्या हुआ फिर आपका? तो तहसीलदार ने माना नहीं आपकी कंप्लेंट को? तहसीलदार के पास जब एक तहसीलदार ने तो ये गलत रिपोर्ट लिखी, उसने पोर्टल पे चढ़ा दी। उसके बाद जब मैंने ऑब्जेक्शन लगाई कि इसके साथ कोई फॉर्मेलिटी इन्होंने लगाई नहीं है, ना तो ये रेजुलेशन बेसिक लगाया इन्होंने कि इनको किसने कमेटी मेंबर बनाया, ना इन्होंने कोई परमिशन जो रसीदें प्रिंट करने के लिए अवकाफ से या किसी और डिपार्टमेंट से चाहिए थी वो नहीं लगाई। अकाउंट नंबर मस्जिद का वो पर्सनल अकाउंट में डलवा रहे थे पैसा, पर्सनल अकाउंट में? हाँ, पर्सनल अकाउंट में। ये मोहम्मद रफीक है, इसका नाम भी कंप्लेंट में है। दो टीचर हैं और एक ये सेक्रेटरी में इसकी ड्यूटी है, पता नहीं किस डिपार्टमेंट में है। उसके अकाउंट में पैसा जा रहा था? उसके अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में पैसा जा रहा था। इतने 17-18 साल से मतलब मस्जिद का अकाउंट नंबर नहीं बनाया? नहीं, अभी तक नहीं बनाया है। तो उसके बाद लास्ट पे जब वो ऑब्जेक्शन लगाने के बाद जो आज मौजूदा तहसीलदार है उसके पास जब इन्वेस्टिगेशन आई, तो पहली तारीख पे तो उसने ये कहा कि इनको दुनिया की कोई हस्ती जेल जाने से नहीं रोक सकती। ऑब्जेक्शन इन्होंने ऐसा इलीगल ग्रेवियंस के थ्रू ही, तो उसने कहा कि इनको जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, इनकी नौकरी भी जाएगी और ये जेल भी जाएंगे। लेकिन हफ्ते के बाद दूसरी तारीख डाली और तहसीलदार ने कहा 4 आदमी आप अपने फेवर के लाना, और उनसे भी कहा 4 आदमी आप अपने फेवर के लाना। तो मैंने कहा मेरे पास 40 रसीदें हैं जो इलीगल हैं, नाम कुछ गांव का और है और इन्होंने कुछ और लिखा है, 40 रसीदें इसमें से कटी हैं, तो मुझे 4 आदमियों की गवाही की जरूरत नहीं है, ये रसीदें खुद साबित करेंगी कि इन्होंने इलीगल काम किया है। लेकिन तहसीलदार ने कहा जबरदस्ती के नहीं, आप 4 आदमी अपने फेवर के लाना। तो मैंने लास्ट पे उसको ये जवाब दिया कि मैंने यहाँ कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, आपने अगर कार्रवाई करनी होगी तो करो, वरना मैं फिर क्राइम ब्रांच में भी साबित करूंगा कि इन्होंने इलीगल काम किया है या नहीं किया है। तो तहसीलदार हफ्ते के बाद उनको दोबारा तारीख पे बुलाता है, और उससे पहले ही कहीं मैंने सुना कि उनको कमरे बुलाया था, क्या किया क्या नहीं किया। तो हफ्ते के बाद जब वो दोबारा तारीख पे आए तो वो 4 के बजाय 10 आदमी ले आते हैं, लेकिन वो तहसील से उनको मुश्ताक साहब के जरिए उन्होंने फोन करवाया, उनको डराया धमकाया कि आपके खिलाफ समन निकलेंगे, वरना आप फौरन तहसीलदार के पास 12 तारीख को पेश हो जाना। जब वो 10 आदमियों को साथ ले आए तो उनको वो गाड़ी से उतारते ही रोड पर वाइट पेज पे 10 आदमियों से साइन करवाते हैं, और उसके बाद एक एफिडेविट उसके साथ अटैच करके देते हैं तहसीलदार को कि हमें होशियारपुर की रसीद बुक का कोई इलम नहीं, ना हमने बनाई है, ना हमें इस बारे में जानकारी है। 10 लोग तहसील ऑफिस पहुंचते नहीं? तहसील ऑफिस पहुंचे, लेकिन तहसीलदार ने उनके साथ कोई भी बात नहीं की। एक आदमी उनमें से उठा, बशीर अहमद वल्द गुलाम हैदर, वो उठा, उसने तहसीलदार के सामने अंदर जाते ही ये बात भी बताई कि होशियारपुर की रसीद बुक जो है ये अयूब हवालदार ने कश्मीर से बना के लाई है। लेकिन तहसीलदार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उल्टा मुझे धमकाया, मुझे कहने लगे कि यहाँ लोग SHO की जाली स्टैंप बना के बड़े बड़े कांड करते हैं, इन्होंने एक रसीद बुक बनाई तो उससे क्या हुआ। जी, अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं हमारा जो 5 किलोमीटर रोड जो बंद है वो बनना चाहिए वहां से आगे, तो मस्जिद को हटा के या मस्जिद को रहने दिया जाए? मस्जिद को हटा के हम कौन होते हैं मस्जिद को गिराने वाले? अब जो उन्होंने बनाई, चलो इलीगल तरीके से बनाई या कैसे बनाई, एक तो उनके साथ ये पैसे का हिसाब किताब होना चाहिए, होशियारपुर का पैसा उन्होंने कहाँ लगाया। तो मस्जिद के बाहर से अभी भी 25 फुट जगह है जहां से रोड आराम से निकल सकता है, उसके आगे वहां पे कब्रिस्तान है, मस्जिद के पीछे भी कब्रिस्तान है। अब बीच में वही जगह थी जहां से रोड निकलना था, उसमें उन्होंने मस्जिद को आगे बढ़ाया ताकि रोड यहां से निकलने ना पाए, लेकिन वहां फिर भी 25 फुट जगह जो है वो बचती है अभी, लेकिन ये लोग
रोड को निकलने नहीं दे रहे। रोड कौन सा, ट्रैक्टर रोड है, बड़ा रोड है? बड़ा रोड है। अच्छा जी, तो आगे मतलब आपको ही दिक्कत आ रही है, बाकी लोगों को भी दिक्कत आ रही है? लगभग 600 फैमिलीज वहां से पीछे हैं। अच्छा, 600 घर हैं? 600 घर। सिमली है, मोड़ा सिमली है, मलवान है, गल्डोर है, सोनर है, जमसलान है। तो ये सब दिक्कत में, ये 5-6 मोड़ा जात मासाल है, सारे दिक्कत में है। नहीं, अब आप मतलब ये जो जाली आप कह रहे हो कि रसीद बुकें छुपवाई है, इस पे कार्रवाई चाहते हो? रोड हाँ, इस पे कार्रवाई भी चाहते हैं। हाँ। और रोड भी बनना चाहिए, मस्जिद भी रहनी चाहिए। हाँ, मस्जिद के साथ हमें कोई एतराज नहीं। चलो, इलीगल बनाई उन्होंने, क्या किया, मस्जिद को गिरा तो नहीं ना सकते। तो हालांकि उस मस्जिद के बारे में मुफ्ती ने फतवा भी दिया है कि जो मस्जिद रास्ता रोक कर बनाई जाए उसमें नमाज नहीं आ सकती, उससे बेहतर है घर में नमाज पढ़ी जाए। किस मुफ्ती ने फतवा दिया? मुफ्ती अशरफ ने। ये कहाँ होते हैं? मरकजी जामा मस्जिद शरीफ महोर में। अच्छा, उन्होंने फतवा दिया, लेकिन ये लोग कहते हैं हम फतवा शतवा कोई चीज नहीं मानते। जी, सियासी लोग हैं, ऊपर से कहते हैं हमें बीजेपी का टैग लगा हुआ है, हमने बीजेपी ज्वाइन की है। तो इवन के कैसे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या पता। अब उसके बाद उन्होंने आला यहाँ तक मुझे कहा कि तहसीलदार भी बीजेपी का बंदा है, तो वहाँ आपका कुछ नहीं हुआ, वहाँ हमने मसले को खत्म कर दिया। अब आप अगर गवर्नर के पास भी जाके टांगे खड़ी करोगे तो वो भी बीजेपी का बंदा है, हम भी बीजेपी के। ग्रीवेंस तो आप गवर्नर के थ्रू ही लगवा रहे हो ना? लगा रहे हैं, लेकिन आगे वो फ्रॉड जवाब लिख रहे हैं बार बार। पटवारी कुछ और लिख रहा है, शाहिद इकबाल तहसीलदार कुछ और लिख रहा है, वो कहता है कि ये टीचर कमेटी मेंबर ही नहीं है। अब जो डिपार्टमेंट, अगर वो कमेटी मेंबर नहीं है, ऑफिसर वहाँ पे बैठे हुए, आप कहना चाहते हो कि वो सब फ्रॉड है? हाँ बिल्कुल, अकेले सचे हो? बिल्कुल अकेले नहीं, मेरे साथ 500 फैमिलीज और हैं। इस मस्जिद का स्टे भी करवाया था हमने जब बलह डाला था इन्होंने, लेकिन इस शाहिद इकबाल तहसीलदार ने फिर पैसा लेकर स्टे को वकेट किया, तो उन्होंने मस्जिद तामीर कर ली। पैसा लेकर क्या प्रूफ है आपका पैसा लिए? मेरे पास ऑथेंटिक तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन पैसा लेने के बगैर ऐसा इलीगल काम किया हुआ उसको छुपाया नहीं जा सकता है। आपको पता है आजकल इल्जाम किसी गवर्नमेंट ऑफिसर पे लगाना विदाउट प्रूफ, सजा भी होती है, एफआईआर भी लगती है। सर, ये प्रूफ नहीं तो और क्या चीज है? अगर इसको छुपाया जा सकता है, दबाया जा सकता आप है। कंप्लेंट कर रहे हो, जिन्होंने इसको वेरीफाई कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अब आपकी बात को माने या जिन लोगों की जिम्मेवारी है उनकी बात माने, जिनको तनख्वाह इसी बात की मिलती है कि उनको वेरीफाई करना है, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, ये चीजें करनी है, बाकी चीजें करनी है। सर, एक भी सबूत वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो वो हाँ, तो आप कह रहे हो ना। हमने मस्जिद का अकाउंट नंबर मांगा उनसे, मस्जिद के अहाते में जो जमीन है उसकी नकल मांगी होशियारपुर के नाम से, हमें कोई नकल बताओ, जमाबंदी मांगो। किससे मांगी? तहसीलदार से। अच्छा, तो और उन लोगों से जिन्होंने मस्जिद किया था। आपने नहीं, कंप्लेंट जब उनके खिलाफ की, जब कंप्लेंट की उनके खिलाफ, तो उसके बाद उनको कहा प्रोवाइड करने के लिए। जब वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, जब ये नाम ही नहीं है। किनको कहा प्रोवाइड करने के लिए? ऑब्जेक्शन हमने प्रोवाइड करने के लिए मांगा था ना। अच्छा, लिखा एक, था आपने? हाँ, लिखा था। हाँ। एक रेजुलेशन बेसिक जिसमें इनको कमेटी मेंबर बनाया गया हो, दूसरा मस्जिद का अकाउंट नंबर है। जहाँ पे ये सारी चीजें आपने मांगी है कहाँ है वो? वो पोर्टल पे बाद में मैंने प्रिंट जब निकाला तो वो ऑब्जेक्शन वाला हिस्सा वहां से नहीं निकला, अलबत्ता जो शुरू में कंप्लेंट की थी उसका हिस्सा ये है। चलें जी, ये जो वहां पे शो नहीं हो रहा है, आरोप लगा रहे हैं या जो मोहम्मद फरीक साहब हैं, कोई कह रहे हैं सेक्रेटरी में काम करते हैं, उनके अकाउंट में पैसा जाता था मस्जिद का, उनसे भी बात करते हैं और इन टीचर्स से भी बात करते हैं जिन पे आरोप लगा रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या पक्ष है, क्योंकि इन्होंने तो आरोप बहुत सारे लगाए हैं जो सुनने में और देखने में और जिस तरह से डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं काफी अचंभित हो जाता है इंसान की। ऐसा भी हो सकता है कि रसीद बुकें, मतलब एक खुदा का घर जिसको कहा जाता है, उसके नाम पे ऐसा भी हो सकता है, जालसाजी भी हो सकती है। तो उनसे बात करते हैं कि उनका इस पर क्या पक्ष है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है दोनों पक्ष जो है वो उनको सुनना और आप तक पहुँचाना, ना कि वन साइडेड स्टोरी करके जो है उसको अपडेट कर देना और दूसरा पक्ष
नहीं सुनना या उसको मौका नहीं देना बात करने का, तो बात करते हैं उनसे। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मोहम्मद कासिम वानी साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, मोहम्मद कासिम वानी साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, मीडिया से, जम्मू से। हाँ जी सर। हाँ, यहाँ पे ना मोहम्मद दीन साहब आए हुए हैं जम्मू में, ये आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप जो मस्जिद कमेटी के क्या हैं आप, यहाँ पे खजांची हैं, और आपने मस्जिद के नाम पे जो है ये डुप्लीकेट रसीद बुकें जो है छपाई हैं और लोगों के साथ धोखा किया है। सर ऐसा नहीं है, ये सदस्य साहब के पास भी ये केस आया था। हाँ हाँ सर, जो भी कमेटी ना, जो भी रसीद बुकें जो हमने बनवाई हैं, तो वो हमारे पास है सर, उसके ना रसीद बुकें जो भी है वो हमारे ये किसी और ने बनाई है, पता नहीं किसने बनाई है। आप टीचर हैं, चक्रास में ड्यूटी है आपकी? जी सर, आप टीचर हैं? जी जी हाँ। चक्रास मिडिल स्कूल में ड्यूटी है आपकी? जी जी हाँ। तो ये जो जाली जो बता रहे हैं, ये रसीद बुक, ये आपको पता है इसके बारे में? इसके बारे में नहीं जनाब, मैंने पता, ये किसने बनाया है, क्या बताया? नहीं है ये जाली या नहीं है, जिसपे होशियारपुर लिखा हुआ है? जाली है, जाली है, जाली है, इसमें जाली हुई थी। अच्छा, हाँ जाली है ये, जाली है ये, लेकिन फोन नंबर, स्टैंप वगैरह ये तो सब आपकी ही है। हमारे हैं सर, फोन नंबर हमारे हैं, इससे मेरा और दूसरा कासिम साहब, एक लड़का और है, जो हमारी आखिरी रसीद बुक है ना। हाँ हाँ, जो हमारे फोन नंबर है, तो वो बनाई है। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट करवाई इसकी? नहीं, कंप्लेंट वो अपना नहीं करवाई उन्होंने, तो नहीं नहीं मोहम्मद दीन साहब ने तो अपना काम किया, आपने अपना काम किया, आपके नाम पे जाली रसीद बुके हैं, आपका कॉन्टेक्ट नंबर इस पे है, आपकी स्टैंप इस पे है, आपने पुलिस में कंप्लेंट करवाई, आपका भी तो फर्ज बनता है ना पुलिस में कंप्लेंट कराना। हाँ हाँ, वो तो आपने तो अभी किया, वो नहीं करवाया। इसका मतलब कुछ दाल में काला है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है? नहीं, एक तरफ आप मान भी रहे हो कि रसीद बुक जाली है, उस पर स्टैंप लगी है आपकी, कॉन्टेक्ट नंबर आपके दिए गए हैं, लेकिन रसीद बुक जाली है और आपको पता है, फिर भी आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? आप मस्जिद कमेटी के क्या हो सर? मुझे उन्होंने रखा था उसका ताकि मैं खदान की कैसे रखा था आपको? ये जो इल्जाम लगा रहे हैं आप पे, इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है, वो मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम क्या कहेंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो हमने कह रहे थे नहीं कि आपने इलेक्शन लड़े थे, तो पता नहीं आपकी बीवी ने पता नहीं कहां पैसा जमा करवा के, मतलब हम क्या कहते खुदा के घर से थोड़ा हम पैसा जमा करके तो फिर इलेक्शन लड़वा के लिए आई हुई है, तो सारा ये कह रहे थे कि हमने रोड तो नहीं वहां से निकाल के, तो आप जगह किसी रोड की है, तो हम कहाँ किसकी जगह खोन के देंगे इसको, तो ये हमें क्या नाम है असम रोड देके निकाल के तो फिर भी पार्टी से छोड़ेंगे। नहीं, रोड सेंक्शन हुआ था वहां से? रोड तो सेक्शन था, रोड तो है, रोड जगह आज भी 30 फुट जगह है, वहाँ 3 गाड़ियाँ आती भी निकल सकती है, लेकिन जगह देने वाला नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको? जहाँ पे आपने मस्जिद तामीर की वहाँ से रोड सेंक्शन हुआ था पहले, वहीं से रोड बनना था, उसके बाद आपने वहाँ से रोड बना, वो अपना मस्जिद तैयार की, उसके बाद सर पता क्या, उसके बाद सचिव डाका भी आए, उसने कहा आज की 3 गाड़ियाँ रोड निकल के 3 गाड़ियाँ यहाँ से गुजर सकती है बाहर के, लेकिन किसी जगह भी उसने दी नहीं जगह, तो हम क्या करेंगे उसको? मैं बोल रहा हूँ कि मस्जिद जहाँ आपने बनाई है उसके वहीं से रोड बनना था ना, जब आपको पता था रोड वहां तक पहुंचा, उसके बाद ही आपने मस्जिद वहां पे तैयार की। मोहम्मद दीन साहब कह रहे हैं कि उसके बाद इन्होंने वहां पे काम में रुकावट डाली और उसके बाद वहां पे काम रुका है। जी, उसके बाद नहीं, उसका रोड स्टार्ट कर लिया हुआ था उन्होंने ना डिपार्टमेंट ने। हाँ, लेकिन उसके बाद पब्लिक ने सामने कहा कि सामने वहां कहा कि सर मस्जिद दीन और बाहर बनाई है, तो जगह उसके बावजूद भी ना मस्जिद के बगैर उसके जगह है ना 30 फुट आगे की जगह है, मतलब सैंक्शन थी ना वहीं से जहाँ पे मस्जिद बनाई आपने।
वहाँ पे डिमार्केशन लगी हुई है एमजीएस आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो ना। मैं अब कह रहा हूँ कि रोड वहीं से बनना था जहाँ पे आपने मस्जिद बनाई, सेंक्शन वहीं से हुआ था ना। तो जब सेंक्शन हो गई है तो वो फिर दूसरा बंदा कौन है जो रोड वो जमीन नहीं देगा? रसीद बुक बनवा कर लाई है कश्मीर से। हाँ, वो अयूब हवालदार। अच्छा जी, ये अयूब अयूब ने रसीद बुक बनवाई है, जाली जो रसीद बुक है ये अयूब ने बनवाई है। वो भी इन्हीं के साथ कमेटी में। तो बड़ी हैरत की बात है कि आपको पता होते हुए भी कि ये जाली है रसीद बुक, आपने फिर भी कंप्लेन नहीं कराई पुलिस में। अभी जो मौके के तहसीलदार है या पहले, इससे पहले जो तहसीलदार थे उनको कहा था? जो मौके के तहसीलदार है उनको आपने कंप्लेन किया था या पहले के जो तहसीलदार है उनको कंप्लेन किया था? आपने रिटर्न में कंप्लेंट की थी तहसीलदार को कि ये जाली मतलब हमारे नाम पे है या हमारी इस पे स्टैंप लगी है, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए? सर वो तो तहसीलदार साहब को हाँ बताया था मोहल्ले से। सर आपने कंप्लेंट दी थी रिटर्न में, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मोहम्मद दीन ने तो अपना काम किया, आपने किया था? सर हमने इसको कहा, हमने नहीं उसका तहसीलदार साहब को बताया था कि आते थे। मैं कह रहा हूँ सर, आप टीचर है, मैं कह रहा हूँ आपने रिटर्न कंप्लेंट की थी या नहीं? सर रिटर्न में हमने तहसीलदार साहब को बताया ना कि हमने ये किसी जो है ये जाना में किसी ने डुप्लीकेट बनाई। सर रिटर्न कंप्लेंट आपने की थी, वर्बली कहा था? मतलब आपके लिए ये एक नॉर्मल इशू है कि अगर कोई आपके नाम पे जाली मतलब अगर कोई रसीद बुक बनाता है, आपके लिए नॉर्मल बात है, आपके लिए कोई घबराने वाली बात या इलीगल कुछ नहीं लगता है आपको इसमें? आपके नाम पे किसी, आपके नाम पे किसी ने लाखों रुपए मतलब लोगों से लूट लिया होगा तो आपको ये नॉर्मल लगता है? नॉर्मल तो नहीं है। फिर आपने रिटर्न कंप्लेंट करानी चाहिए थी ना। ये जो पैसा मस्जिद के नाम पे आता था ये किसके अकाउंट में जाता था, मस्जिद के अकाउंट में या किसी पर्सनल अकाउंट में? सर ये आते देते थे कभी किसी को भी डालते तो सबने कहा कि ये जब तक अकाउंट बनेगा तब तक किसी को किसी ना किसी को ले करके पैसे दे देते थे। किसके अकाउंट में जाता था पैसा ये? किसी ना किसी लड़के किसी को भी देते डालते थे। किसके अकाउंट में जाता था? आप कैशियर हो, किसके अकाउंट में जाता था पैसा? लड़का जो है ना दूसरा वो जो उधर है उसके पैकेट में लग रहा है उसके ना उसके अकाउंट में भी जाता था। तो ऐसे बोलो ना। चलो शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए, शुक्रिया। तो अभी आपने इनकी बात सुनी है, अभी हम जो दूसरे टीचर हैं मोहम्मद कासिम, क्या है ये लिसरी साहब, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये क्या कहते हैं, क्योंकि आरोप जो उन्होंने लगाए हैं उसको कहीं ना कहीं इन्होंने माना भी है। ये मोहम्मद कासिमानी साहब हैं, ये मान रहे हैं कि ये जाली जो है ये रसीद बुक बनाई गई है, हालांकि इन्होंने कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं की है। इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। हेलो जनाब, मोहम्मद कासिम लिसरी साहब बोल रहे हैं? जी जी हाँ जी, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, जम्मू से। टीचर हैं आप हाई स्कूल जमसलान के? जी सर। यहाँ पे ना ये आए मोहम्मद दीन साहब, ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है, आपके खिलाफ और दूसरे मोहम्मद कासिम हैं और कोई रफीक अहमद है। अच्छा। ये कह रहे हैं इन्होंने जाली जो है ये रसीद बुक में छपाई और इसमें लाखों रुपए का गबन किया है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखो हमने इनकी बात तो सुनी है तो हमारा फर्ज बनता है कि दूसरा जो पक्ष है उसकी बात भी सुनना या मतलब उनकी बात भी रखना, हो सकता है कि ये झूठ भी बोल रहे हो, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके? हमें कोई पता नहीं है, किसी ने मस्जिद बनाई है तो वो अवाम ने चंदा दिया है। अच्छा, हाँ हाँ, मस्जिद के कोई करेगा अरफाज? मैं तो आपको भी जानता हूँ, नहीं जानना एक अलग चीज है। अभी आप रिकॉर्डिंग पे हैं, यहाँ पे ऑन कैमरा चल रहा है, क्योंकि देखो हमारा फर्ज बनता है दोनों पक्षों को सामने रखना,
यहाँ पे मेरे सामने दो रिसीट बुकें पड़ी हैं जिसमें से ये कह रहे थे एक जाली है। कहीं दफा इनकी बातचीत भी चली, छोड़ दिया, फिर पता नहीं कहीं कंप्लेंट इसने की उधर ना ग्रीवन सर्च में, तहसीलदार साहब ने भी की, फिर दोबारा की, फिर तीसरी दफा की। अब रसीद बुकें हमें क्या पता है किसकी रसीद बुकें हैं, क्या बनाते हैं सर? रसीद बुकों पे आपका एक कॉन्टेक्ट नंबर है, आपकी स्टैंपें लगी हुई है, सिग्नेचर है। सुनो सुनो, ये कोई भी बना सकता है ना। तो आपने कोई कंप्लेंट की इसके बारे में? हमने कोई नहीं, हमने देखी नहीं रसीद बुक, जब आएगी हमारे पास तभी तो हम कंप्लेंट करेंगे। आपके पास ये जो फर्जी बताई जा रही है ये नहीं आई होशियारपुर वाली? नहीं नहीं, हमारे पास कोई नहीं आई। तो आपके पास तहसीलदार के पास जब आप गए पटवारी को, जो आपने स्टेटमेंट दिया उसमें क्यों आपने कहा कि हम ये चाहते थे कि इस जगह का नाम जो है होशियारपुर रखा जाए? हमें कोई पता नहीं है कि किसने दिए स्टेटमेंट, हमसे लिए ही नहीं कभी पटवारी ने। अच्छा, तो इसमें नाम सारा है, मुझसे कभी पटवारी ने ना स्टेटमेंट लिए तो ना कुछ। अलबत्त तहसीलदार साहब ने लिए, इंक्वायरी की है, लोगों से स्टेटमेंट लिए हैं, कंप्लेंटर जो है मुलजिम से स्टेटमेंट लेता है कोई? अच्छा, मैं अगर मतलब आप अपने आप को खुद ही मुलजिम मान रहे हो? नहीं, अगर हमारे खिलाफ कंप्लेंट है हम क्या देंगे उसकी स्टेटमेंट? वो तो लोगों ने देनी है ना? तो आप क्या थे इस कमेटी में? निगरान कमेटी। मैं भी तो था इसमें। मस्जिद कमेटी में क्या थे आप? मैं भी मेंबर था। अच्छा अच्छा, हम एक्चुअली शिफ्ट हुए हैं बहुत सालों से जम्मू। अच्छा, क्या ये बनी है कब की कमेटी? मैं चलता रहा काम, लोगों ने किया, लोगों ने हलाशेरी जो है चंदा चंदा दिया, तो साफ साफ भी लोगों ने ऑडिट भी उसका किया। ये जो पैसा आता था ये किसके अकाउंट में जाता था, मस्जिद कमेटी के या किसी के पर्सनल अकाउंट में? नहीं नहीं, ये कोई अकाउंट नहीं बना है किसी का, ऐसे हलाशेरी हो रहा था। नहीं, किसके अकाउंट में जाता था पैसा? तो किसी के अकाउंट में जाता होगा ना, इकट्ठा होता होगा। इकट्ठा होके तो ऐसे हम पेमेंट वगैरह कर रहा था जो हमारा कैशियर था। हाँ हाँ, तो कुछ जो है ऐसे अगर लोकल किसी के अकाउंट में, आप डिफरेंट आदमी थे उधर, अकाउंट इसका अभी नहीं बना, मस्जिद का अकाउंट नहीं बने। ये इनको कहा तहसीलदार साहब ने भी उस वक्त के, लाओ यार ये रसीदें, फुटस्टेट तो कोई भी, लेकिन इन्होंने लाई नहीं। हम भी देखते, हम जब देखेंगे रुझना तभी तो हम कंप्लेंट करेंगे कि हमारे नाम जो है किसी ने बनाई है। लेकिन आप कह रहे हो आपको पता ही नहीं है, मोहम्मद कासिम वानी साहब कह रहे हैं कि हाँ जाली रसीद बुकें छपी हैं, हमने वर्बली तहसीलदार को कहा भी था। नहीं, जब उन्होंने कहा इनको ओरिजिनल लाओ, मुझे पता ही नहीं है, आपके दूसरे साथी कह रहे हैं, मोहम्मद कासिम वानी साहब कह रहे हैं कि हमने ओरिजिनल, जब कोई चीज ओरिजिनल आएगी फुटस्टेट मैं भी तो किसी के कर सकता हूँ। सर, करना एक अलग चीज है, इल्लीगल होता है, उस करने को इल्लीगल कहा जाता है ना। वही ना, इल्लीगल जब आपका काम बनता है ना कि आपको उसका कंप्लेंट करनी है पुलिस में, थाने में, तहसीलदार को, किसी को तो करना है ना कंप्लेंट। तहसीलदार को की थी, कहा हमने, उन्होंने उनको मांगी, जब मांगी नहीं तो लाई नहीं। पहले तो आप मुकर ही रहे थे, तो आप बोल रहे हो हाँ जी हमने की कंप्लेंट। नहीं, आप फुटस्टेट कोई दिखाता है कागज, वो कौन से कोई ओरिजिनल माने जाते हैं? ये 40 रसीदें मैंने ओरिजिनल दिखाई है। तो ये जो आप बोल रहे हो कि पैसा मतलब नहीं जाता था, वो तो कह रहे हैं कासिम साहब बोल रहे हैं कि ये रफीक अहमद के खाते में जाता था पैसा सारा, ये सेक्रेटरी में कोई ड्यूटी है। मैंने आपको कहा ना कि सारे गांव वालों, ये कमेटी है 10-15 लोग है, और इनका इनका चाचा भी है उसमें, सारे ये लोग भी हैं। अब इनको क्या पर्सनल ग्रजेस किसके बारे में क्या है उनके साथ? कभी कह रहे हैं ये कासिम के साथ जी, हमें आपके साथ नहीं है, इसका बाप हो गया। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ एलिगेशन, एलिगेशन से थोड़ा होता है। नहीं, एलिगेशन नहीं, आप मान रहे हो ना यहाँ पे रिसीट बुक मतलब ये फर्जी है, ये बात तो मान रहे हो ना? और क्या है, फर्जी है ना। अब क्या पता किसने की, आपने की है, मोहम्मद ने की और कंप्लेंटर है इसी ने बनाई है, तो इस चीज का, इस चीज का जिसने जिसने उस पर चंदा लिया होगा, हाँ, जिसके पास होगी तो उसी के पास तो है, उसी ने तो बनाई होगी, तो हमें क्या है इसमें? आपको भी कभी चंदा लिया ही नहीं, आपका भी फर्ज बनता था ना एज अ कमेटी मेंबर की रिटर्न में कोई कंप्लेंट कर दे। सुनो, पूछा तो सबसे, किसी को नॉलेज ही नहीं है, ये लोग जो है सामने लाते ही नहीं है उस वक्त। अब आपको तो नॉलेज है, आप तो टीचर है, आप मेरे को बताओ ये रफीक साहब के अकाउंट में जाता था पैसा कि नहीं जाता था?
दुकानदार, ये इन्हीं लोगों को पता होगा, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। कमेटी के मेंबर आपसे और पता इनको होगा? कमेटी के मेंबर 15 हैं, सुनो कैशियर एक है, ठीक है। देखो किसके अकाउंट में जाता है, किसके अकाउंट में जाता है, तो मेरा काम है। देखो मेरा ये नहीं है कि ये मेरे पास आए हैं तो इनकी बात सुन के मैं स्टोरी अपलोड कर दूं या कुछ ऐसा, मेरा काम ये है, बेबुनियाद स्टोरी है। हाँ। इसीलिए मैं आपका पक्ष भी रखूं। तहसीलदार मोहर से आप ये बात पूछो, अब मस्जिद का कौन इशू ये करते हैं, हम वो लोग, हमारा थोड़ा काम है यही रहेंगे लड़कों की कंप्लेंट सुनते या कुछ, या हम भी करेंगे कंप्लेंट। सर रसीद बुक तो छपी है ना सर, लोगों से धोखा तो हो रहा है ना। एसडीएम ने भी इसकी इंक्वायरी की है, कब वो लोग इंक्वायरी करके दे देते हैं किसी चीज की फाइंडिंग। वो बंदा तो नहीं पकड़ा गया ना सर जिसने ये छपवाई है? तो अब उन्होंने पकड़ना है तो हम कैसे किसी को पकड़ सकते हैं? तो आपने तो रिटर्न कोई कंप्लेंट ही नहीं की। चलो करेंगे जब सामने आएगी कोई चीज, मुझे तो अभी कोई सामने आई नहीं मेरे सामने। चलो शुक्रिया शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जबानी जबानी बोल रहे हैं, जब सामने आएगी कोई प्रूफ तो तभी तो। चलें शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। तो अभी ये रफीक अहमद साहब हैं, रफीक साहब हैं। हाँ। इनके लिए कहा जा रहा है कि इनका अकाउंट में पैसा जाता है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में इनका अकाउंट में पैसा जाता था या नहीं जाता था, क्या पूरा मसला था ये। रफीक साहब यहाँ पे ना मोहम्मद दीन साहब आए मेरे पास, ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई कंप्लेंट वगैरह की है ग्रीवेंस में ना, ये कह रहे हैं कि दो रसीद बुकें इन्होंने मेरे सामने रखी हुई है यहाँ पे, ये कह रहे हैं इसमें से एक ये जो है ये जाली है जी। तो इन्होंने कोई कंप्लेंट वगैरह भी की हुई है, आपका भी नाम है उसमें और वो मोहम्मद कासिम वानी और मोहम्मद कासिम लिसरी उनका भी नाम है बीच में, मैंने उनसे भी बात की है जी जी। तो अब मैं वन साइड स्टोरी चला के मतलब देखो अब ये होता है कि क्या पता हो सकता है कि ये झूठ भी बोल रहे हो, इसलिए क्या होता है कि दूसरी पार्टी को भी मौका देना चाहिए बात करने का रखने का अपना ना, चाहे फोन पे ही सही लेकिन बात होनी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हो इस पे, मतलब ये इसके बारे में आपको नॉलेज है ये जो जाली रसीद बुक कह रहे हैं? ये तो बड़ा कुछ कह रहा है जी जी। बात तो ये है कि जितने भी तहसीलदार आए मोहर में के वो अनपढ़ थे, जिन्होंने जवाबदारी की है, जवाब दिया हर डिपार्टमेंट को, ये कह रहे ये पता क्या कह रहे हैं, मैंने इनसे यही सेम चीज इनको बोली, मैंने कहा वो पढ़े लिखे लोग होते हैं अफसर जाते हैं उनको उनकी काबिलियत के बेस पे वहाँ पे बिठाया जाता है, ये कह रहे हैं कि उनको पैसा खिला करके जो है इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करवाई है जी जी। तो ये अब ये जनाब ये आज से नहीं, इसको 4 साल हो गए ये चलता है, ये मसला चला नहीं, ये जो जाली रसीद बुक बता रहे हैं ये जाली है या नहीं है, क्योंकि इस पे कॉन्टेक्ट नंबर भी आप ही लोगों के हैं, स्टैंप भी है, कॉन्टेक्ट नंबर ये खुद इन्होंने कहीं बनाई है। हाँ। हमारी रसीद बुक नहीं है ये बनाई है इन्होंने, रसीद बुक जैसी होती है वैसी नहीं, इसने परसों ग्रुप में भी डाला है। आप जनाब गाँव वाले सब मुलाजिम है वहाँ। अच्छा इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है, हर एक के ऊपर एप्लीकेशन दी है, हर एक के ऊपर आप कितना बर्दाश्त करेगा, तहसीलदार साहब ने दी इनको ये जवाब दिया, पूरा डाटा लिख कर दिया, नहीं ये सुधर रहे तो आप देखेंगे क्या करेंगे। परसों इसने 2-3 ग्रुपों में डाला ये नहीं, अगर ये अगर सर पांगा क्या है ना, अगर ये रसीद बुक जाली है और ये मोहम्मद दीन ने जो है ये छपवाई है ये जी, जी, जी। तो आपने क्यों नहीं रिटर्न कंप्लेंट करवाई पुलिस में इनके खिलाफ, अगर ये इन्होंने छपवाई है? सर अभी ये बहुत कुछ बोल रहे थे, हमने सोचा कि आप इनको बोलने दो क्या क्या ये निकालेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, फिर हम भी जवाब देंगे वहाँ। नहीं अब 4-5 साल हो गए, अब कितना मतलब आप रुकोगे, अब इतना अगर आप बोलोगे हम परेशान है सर, गांव में जितने हैं 35 बंदे मुलाजिम है, किसी मुलाजिम को इन्होंने नहीं छोड़ा। प्रॉब्लम दूसरी है सर, अंगा डालते हैं मस्जिद के ऊपर, प्रॉब्लम वहाँ दूसरी है, जहाँ सड़क आई है वो 2009 में आई है कि 12 में ऐसे में आई है, 10 किलोमीटर ये उसको बना रहे हैं 15 किलोमीटर। अच्छा सड़क कितनी दूर है, सड़क है 5 मिनट लगते हैं, जहाँ सड़क रुकी है वहाँ से इसके घर तक 5 मिनट लगते हैं। सैंक्शन आप कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर हुई है, ये कह रहे हैं 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 16 किलोमीटर हुई है 16 किलोमीटर और
दस किलोमीटर सेक्शन है। अच्छा, ये जो मस्जिद कमेटी का जो पैसा आता था, सारे जो कलेक्शन होती थी, ये आपके अकाउंट में आता था? मस्जिद कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, मुलाजमो का पैसा वो जमा कर देते हम घर में। अच्छा जी, आप जो मुलाजम देते थे। आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता था? ना, मस्जिद का कोई नहीं, कभी आता था 1000-2000 बस और कुछ। तो ये तो मोहम्मद कासिम वानी साहब कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में जाता था सारा पैसा। ऐसे ये आता था सर मुलाजमो का आपके अकाउंट में जी। तो बाकी जो रसीदों के थ्रू पैसा आता था वो कहाँ कलेक्शन होती थी उसकी? वो घर में होती। किसके पास? वो दादा के पास। आपके दादा के पास जी? वो भी मस्जिद कमेटी के मेंबर थे, सदर। सदर थे। अच्छा, वो सदर है, प्रेसिडेंट है। अच्छा अच्छा, तो कैश सारा उनके पास रहता था। सारा मसला असल में सर क्या है ना, रोड का है, बाकी कुछ नहीं, वो मुझे पता है। अच्छा अच्छा, नहीं ये रिसीट बुक जो जिसकी जमीन है वो देता ही नहीं है। नहीं, ये जो रिसीट बुक ला रहे हैं, मतलब ये आपके हिसाब से जाली है या नहीं है? जी जी जी, जाली है जी। तो आपको ये भी शक है कि इसी ने छुपाई होगी, मोहम्मद दीन ने? हाँ, इन्होंने छुपाई होगी। तो अब ये उल्टा आपको या आपके जो बाकी लोग हैं उनको, मतलब वो कंप्लेंट कर रहे हैं? जी जी जी। तो आप, मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, आप मतलब इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर भी रुके क्यों हैं? क्यों नहीं इनके खिलाफ आप कंप्लेंट करते हैं, अगर ऐसा आपको पता है कि ये जाली है? हम सोचते हैं क्या तहसीलदार ने जवाब दिया, तो तहसीलदार साहब ने जवाब दिए कि वो अनपढ़ थे। नहीं, ये तो क्राइम है ना, मतलब जाली। आप उन्होंने तो ये भी लिखा है, ये कमेटी मेंबर ही नहीं है, ये कंप्लेंट कर रहे हैं, ये कि हम कमेटी मेंबर नहीं है, ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि इन्होंने मिल करके ये जाली रसीद बुक जो है ये छपाई है, ये तो इलीगल है ना। तो आप अगर ये कह रहे हो कि इन्होंने छपाई है, सर आप इनसे पूछिए कि इन्होंने एक कंप्लेंट की है कि 22-23 साल से ये पैसा जमा कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड मांगो आप इनसे। 27-28 सालों से ये पैसा जमा कर रहे हैं, रिकॉर्ड मांगो आप इससे। वो इसके बाप ने लिखी है कंप्लेंट, वो डीसी ऑफिस रामबन में काम कर रहा है, जो कंप्लेंट लिख रहा है वो उधर बैठा है, आगे से रखे है उसने बच्चे। आप क्या कहना चाहते हो, आखिर में क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मैसेज वही, वो एक बात है सर, वो खुदा का घर है, वो बनाया है, जानेगा वो घर, जानेंगे ये कंप्लेंट, हमने अगर गलत किया होगा जानेगा वो घर, तो जानेगा ये कंप्लेंट वाले। चलें, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह। तो ये रफीक साहब थे जो कह रहे हैं कि पैसा इनके अकाउंट में आता था, लेकिन वो जो कलेक्शन जो मुलाजिम जो थे उनका जो पैसा आता था इनके अकाउंट में मस्जिद के लिए, लेकिन जो पैसा कैश आता था जो इन रसीद बुकिंग के थ्रू आता था वो घर में इनके दादाजी जो सदर हैं उनके पास इकट्ठा होता था। अब तहसीलदार साहब हैं जो मौके के वहाँ पर, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या, ये और क्या रिपोर्टें दी गई हैं, क्या कंप्लेंट है, क्या पूरा मामला है, रोड का मामला है, मस्जिद का है, रसीद बुकों का है, आखिर मसला क्या है? आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं? ये तहसीलदार मोहर हैं जावेद इकबाल साहब, फोन नहीं उठा रहे हैं, हो सकता है बिजी हो, मीटिंग हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, कुछ भी हो सकता है। आखिर में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज में यही देना चाहता हूँ कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये जिसने भी प्रिंट करवाई हो, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, मैं तो एंटी करप्शन ब्यूरो में देने वाला हूँ ये बस्ती कुछ दिनों में ही, तो फिर वो खुद निकालेंगे किसने प्रिंट करवाई है, किसने नहीं करवाई है। अब तहसीलदार ने इसको दबाने के लिए ये कहा कि यहाँ लोग SHO की स्टैंप बनाते हैं और बड़े बड़े कांड करते हैं, तो अगर लोग SHO की स्टैंपें बनाने लग जाएं तो ये कौन सा मुश्किल है उन लोगों के लिए। तो आखिर में मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि एक तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये पैसा कहाँ गया कलेक्ट होके। अब गांव में तो उन्होंने होशियारपुर वाली रसीद पे कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया, सारा बाहर किया है, गूल, संगलदान, बुद्धन वगैरह,
चक्रास में इकट्ठा कौन करता था? चक्रास में कोई नहीं किया। ये रसीद बुक हमने छीनी थी एक बंदे से, उन्होंने दी थी, इसी कासम वानी ने उसको दी थी चंदा इकट्ठा करने के लिए। साथ में ये भी कहा हुआ था कि गांव से बाहर चंदा इकट्ठा करना, यहाँ गांव के लोग थे सारे। हाँ, जो बाहर जाते थे कलेक्शन करने के लिए। हाँ, तो उस बंदे से हमने छीनी ये। जब हमने होशियारपुर नाम देखा तो हमने कहा पहले हम वेरीफाई करेंगे जरा ये होशियारपुर कहाँ पे है, फिर चंदा देंगे। तो बाद में जब हमें इस रसीद का भी पता चला कि इन्होंने दो अलग अलग बनाई है, तो फिर हमने मुनासिब समझा कि इस पर कंप्लेंट करनी चाहिए, जिसका नतीजा कोई नहीं निकला। फरवरी 2023 में मैंने कंप्लेंट की है और लास्ट जाकर दिसंबर में तहसीलदार ये कहता है कि यहाँ लोग SHO की स्टैंप बना के बड़े बड़े कांड करते हैं, इन्होंने एक रसीद बुक बनाई, उससे क्या हुआ? ये जो तो पोर्टल से, हाँ पोर्टल से, ग्रीवियंस सेल के पोर्टल से बगैर कोई रिपोर्ट डाले ही कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया। जी चले जी, ये पूरा मामला है और ये इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए थे और जिस तरह से उन्होंने दो टीचर्स के एक सेक्रेटरी में काम करते हुए उनके खिलाफ कंप्लेंट किया है, तो हमारा फर्ज बनता है। अब ये इन तीन लोगों से आप, तो उनसे भी हमने बात इस फोन लाइन पे की, उनका भी पक्ष रखा है, हमने कोशिश की थी, हमारी बात जो है तहसीलदार माहौर जो है उनसे भी हो सके उनसे हम जाने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला है। हालांकि उनके द्वारा जो है दो तीन बार फोन करने के बाद भी उन्होंने फोन नहीं उठाया है, तो हमने हमारा फर्ज निभाया है, अब उनका बनता है, उन एजेंसीज का बनता है जिनके पास ये जा रहे हैं ये सारा मामला लेके। हालांकि जो टीचर्स हैं वो ये मान रहे हैं कि ये जो जाली जो रसीद बुकें छपी हैं, लेकिन छापी किसने है, किसने ये इलीगल काम किया है, किसने मस्जिद के नाम पे पैसा जो है वो निकाला है, हड़पा है, लोगों को धोखा दिया है, कौन वो क्रिमिनल है, तो उनको भी सलाखों के पीछे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज यहाँ पे हो रहा है, कल और कहीं पे भी हो सकता है। आपकी सब पे क्या राय है, आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।